अब तो जंगा लगने वाली है कहते कहते 2014 से लेकर आज 2022 हो गया बेटा, और एक भी पत्थर नहीं आया और सारा का सारा फिर नीचे आ गया। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ गोहट लगाऊँ? के पास डीसी के पास, सीएम के पास, एसडीएम के पास, अभी हाल ही में एसडीएम के पास, एससी के पास, पीडब्ल्यू वालों के पास भी मैं 2-3 चक्कर लगाई हूँ। तो क्या आपके काम जारी है, अब लगने वाला है, अभी तक कोई नहीं आए। मैंने कहा अभी तक कोई नहीं आए। मैं सरकार से यही गुहार करती हूँ कि मेरे बनी बनाई मकान मेरे 6 लाख रुपये लग गए बेटा, उसमें 6 लाख रुपये लग गया है, अभी और लगने वाला है। मकान में दरारें आ गई, मकान को खतरा है मेरे। नाम बताएं। मेरे नाम इलम देवी है, मैं कसौली से आई हूँ, जिला शिमला ही है, नारायण से आ रही हूँ। हमारी तहसील रामपुर है और मिनी तहसील तकलेच में है, और नारायण के साथ ही में हमारे गांव है एक जो कसौली बोलते हैं, वो सड़क के साथ कितने 2014 से लेकर मैं गुहाट लगा रही हूँ, अभी तक डंगा नहीं लगाया। 2018 को बुरी तरह से गिर गया, मेरे 3 मंडल सरिया दब गया, 5 साल हो गया सबसे गवाट लगा लगा के, बड़ा मुश्किल से अभी 2 मंडल निकाला, अभी 1 मंडल उसी में रहता है सरिया। और अभी कटिंग किया कि मेरे पत्थर तैयार है, मैंने डंगा लगाना है करके, और एक भी पत्थर नहीं आया और सारा का सारा फिर नीचे आ गया, और अभी भी ज़मीन ऐसे गिर रहा है, और मकान में मेरे दरारें आई है, मकान अभी मेरे तैयार ही नहीं हुई है, दरारें आई है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ गोहट लगाऊँ? किस किस के पास आपने इसको लेकर? सीएम से लेकर, सीएम साहब से लेकर, सबके पास, डीसी के पास, सीएम के पास, एसडीएम के पास, अभी हाल ही में एसडीएम के पास, एससी के पास, एससी नेगी है वहाँ रामपुर में, वहाँ तक गई हूँ। पीडब्ल्यू वालों के पास भी मैं 2-3 चक्कर लगाई हूँ, तकलेच में भी गई, वहाँ पर भी गई। सीएम हेल्पलाइन पे आप फोन करते हो तो क्या जवाब मिलता है? बोलते हैं आपके काम जारी है, अब लगने वाला है, अभी तक कोई नहीं आए। मैंने कहा अभी तक कोई नहीं आए, आप लोग मौका देखो ना, मैं कौन होती हूँ बताने वाला, प्रगति खुद गोई देगी। कितना खतरा, और घर में क्या अकेले रहती हूँ? मैं अकेली हूँ बेटा, बिल्कुल। रात में तो सब हाथ खड़ाई करेंगे ना, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद जागते हैं हमारे। तो सीएम से क्या मैंने बोला डंगा लगाने हाँ जारी है, आपके डंगा लगने वाली है कहते कहते 2014 से लेकर आज 2022 हो गया बेटा। कितनी जगह में जो है डंगा लगना, कितना एरिया है? ये 25 मीटर कम से कम होगा बेटा। क्या मांग रहेगी मुख्यमंत्री से? मैंने यही बोला कि डंगा लगा के दे दो, यही बोला था मैंने। हाँ लगने वाला लग रहा है, अभी तक तो कोई नहीं लगाने आया। सरकार से भी क्या गुहार लगा रहे हैं आप? क्या मैं सरकार से यही गुहार करती हूँ कि मेरे बनी बनाई मकान मेरे 6 लाख रुपए लग गए बेटा, उसमें 6 लाख रुपए लग गया है, अभी और लगने वाला है। मकान में दरारें आ गई, मकान को खतरा है मेरे। एक मिनट पूछा मेरे को क्या करना चाहिए, पीडब्ल्यू वालों ने मेरे नाक पे दम करा रखा है। उन्होंने बोला पहले पुलिस में कर लो, पुलिस वालों को किया तो बोलते मेरी एप्लीकेशन दे दो। मैं अकेली हूँ, बूढ़ी हूँ, तबीयत मेरा ठीक नहीं है, मैं कैसे आऊँगी आपके पास एप्लीकेशन लिखने? आप यहाँ आएंगे तो मैं लिखवा के भी दूंगी, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, किससे लिखाऊंगी मैं यहाँ पर?